हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी साजिश सैयद कैरम एकेडमी में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत से व्यूवर्स हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल के, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया कि सर एक बहुत बड़ा इशू है जो प्लेयर्स जो है उनको खेलने में होता है। वो इशू है रिलीजिंग ऑफ स्ट्राइकर। स्ट्राइकर जब हम रिलीज़ करते हैं तो हमारे फिंगर्स जो है वो शॉवरिंग करते हैं, हमें प्रेशर भी आता है। तो ये प्रेशर रिलीज़ कैसा किया जाए, इससे छुटकारा कैसा पाया जाए, ये बंद कैसा हो। तो दोस्तों, मैं पिछले 30 साल से कैरम खेल रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम था, बट मैं जैसा जैसा प्रैक्टिस करते गया या मेरे कोच ने मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बताई, उसमें से मैंने वो प्रैक्टिस में वो जो शॉट्स है वो इन्वॉल्व किए और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरा जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिक चला गया। सो मैं वही जो टिप्स है वो आपको आज दे रहा हूँ। ये पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक भी जाती है, इसलिए आप 1 से लेके जो पार्ट आगे बनेंगे ये आप सभी पार्ट को फॉलो कीजिए और सभी वीडियो आराम से देखिए, उसको प्रैक्टिस में लीजिए। क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, इसे आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या साल भर भी लग सकता है। ऐसा नहीं कि आज आप प्रैक्टिस करोगे और आज आपका या कल आपका प्रेशर कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसी के साथ आपको जो ग्रिप, ये जो वर्ड है कैरम में किसने लाया है पता नहीं है, ये ग्रिप वर्ड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और दिस इज़ ऑफ स्टाइल ऑफ प्लेइंग, ये मेरा स्ट्राइकर पकड़ने का तरीका है, ये मेरा खेलने का तरीका है, ये जो सेंटेंस है ये आपको बार बार खुद को बोलना है, तो ऑटोमेटिक आपका प्रेशर भी कम होगा। और मैं जो स्टाइल से खेलता हूँ बस वही मेरी स्ट्राइकर पकड़ने की स्टाइल है। सो आप ये वीडियो गौर से देखिए, एक एक पार्ट को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस डेली कीजिए। ये 1, 2, 3 मंथ में होगा नहीं, इसको बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम रिलीजिंग और उससे रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो अपन वो वीडियो में क्लियर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम उसी पॉइंट पे आए रिलीजिंग इशू से। तो मैंने आपको पहले इजी से बताया था, हम नीचे जाइए जो बेस की कट से रिलेटेड है, हम ये भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसका इफेक्ट हमारे गेम पर डेफिनेटली होगा। और जो हम रिलीजिंग जो हमारा इशू है वो हमारा इशू होगा। देखिए मैंने कुछ बेस की कट लगाई है, ये बेस की कट हमें जितना हो सके नज़दीक से और दूर से हिट करनी है। ये जो एक कट है ये हमें नज़दीक से हिट करनी है, ओके। ये यहाँ से हिट की जाएगी और ये कॉइन यहाँ से हिट की जाएगी, ओके। उसके बाद ये जो कॉइंस है हमें दूर दूर से हिट करनी है। ये सबसे पहले जो मैं आपको लगा के बताया हूँ, ये हमें जो है एक ही पॉकेट में इसे हिट करनी है, ओके। ये 3 कट सिंगल हम पूरा जो सेट है वो पूरा एक पॉकेट में कंप्लीट करेंगे। सेकंड सेट लगा के हम लोग पूरा ये पॉकेट में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसा मैंने ये कॉइंस लगाया था, आपको ये कॉइंस लगा के ये कट्स की प्रैक्टिस करनी है। ये स्ट्रेट कट है, बाद में ये दूर से आएगी और ये उसके दूर से रहेगी। ये स्ट्रेट कट रहेगी, ये दूर से रहेगी और ये इससे दूर से रहेगी, ओके। तो ये आपकी प्रैक्टिस में आपको लेना है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी इससे और जो आपका रिलेटेड है जो रिलीजिंग का जो इश्यू है वो क्लियर होगा। बट आपको ये लास्ट में करना है, मैं जैसा अलग अलग वीडियो बता रहा हूँ, ओके। तो ये आपको पहला ये नज़दीक का करने के बाद ये आपको दूर का करना है, जिससे अपना गेम डेवलप होगा। और ये शॉट जो है मैं आपको बताया हुआ आपके गेम में इन्वॉल्व कीजिए और अपने गेम को डेवलप कीजिए। ऑल द बेस्ट।